देहरादून से है, जहां अगले महीने यानी जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की। बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से कांवड़ यात्रा को बेहतर ढंग से संचालित किए जाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने बताया कि 14 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। वहीं हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़ी उत्तराखंड के हरिद्वार पहुँचते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा बाधित थी, लिहाजा इस साल करीब 4 करोड़ कांवड़िए के आने की संभावना है, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। कांवड़ यात्रा में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों और होमगार्ड की तैनाती की जाएगी, ताकि यात्रा को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमने इंटर स्टेट बैठक की है कांवड़ मेला के प्रबंधन को लेकर 2022 की, और इसमें हमने जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के ADG लॉ एंड ऑर्डर और ADG इंटेलिजेंस उनको जोड़ा है, और उसके अलावा जो बॉर्डर के SPs, DIGs, इजेक्ट जो बॉर्डर है यानी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, पोंटा साहिब, यमुनानगर वगैरह, और कई जगह की STF एजेंसीज भी जुड़ी।